नमस्कार दोस्तों, गंगा इंडियन फूड चैनल में आप सब स्वागत है। दोस्तों आज हम मट्ठी बनाएंगे, तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक पाव मैदा है, मैदा के हम चाल के रख लिया हूँ। एक चम्मच हम अजवाइन डाल देते हैं। एक चम्मच काली मिर्च हम कूट के रख लिया हूँ दरदरा, इसके हम डाल देते हैं। एक चम्मच जीरा डाल देते हैं, खड़ा जीरा। एक चम्मच हम कसूरी मेथी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देते हैं एक चम्मच। इसके हम अच्छा तरह से मिला लेते हैं सब। अच्छा से हम मिला लिया। आधी कटोरी हम रिफाइन ऑयल डाल देते हैं। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। रिफाइन ऑयल डाल देते हैं खास्ता के लिए। मट्ठी हमारी जब ने खास्ता बने, इसके हम मिला लेते हैं अच्छा से। मैदे को हम अच्छा से मिला लिया और देखिए पिंडी बनाई लगा है, तो जानो हमारी मट्ठी खास्ता बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी हम डाल के इसके आटे के हम गूंदेंगे। इसका आटा हमें गीला नहीं गूंदेगा, थोड़ा कड़ा भी रहेगा, जैसे रोटी का आटा बनाया जाता है उसी तरह आटे के हम गूंद लेते हैं। मट्ठी का डोज तैयार कर दिया हम, और इसके टाइट थोड़ा रखे, रोटी जैसे बनता है उसे टाइट रखे। इसके हम 5 मिनट बदे रख देते हैं रेस्ट बदे। 5 मिनट हो गया हमारा डोज, और इसके हम घाल लेते हैं, देख लेते हैं सेट हो गया कि नहीं। थोड़ा हम हाथ से मसल लेते हैं। छोटा छोटा हम लोई काट लेते हैं। इसी तरह से सब लोई काट लेते हैं। इसी तरह सब हम लोई काट लेते हैं। आप अपने पसंद से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सब मट्ठी के हम लोई काट के बना लिया हूँ, रख लिया हूँ। अब इसके हम चिकना बनाएंगे। इसके हम एक चौका ले लेते हैं, चकला। इसके हम हाथ के गदोरी से दाब लेते हैं। आप चाहे तो बेल सकते हैं बेलना के सहारे से। इसी तरह हम सब मठरी बना लेते हैं मट्ठी के। इसी तरह हम सब मट्ठी के दाब के रख लेते हैं। सब मट्ठी हम बना के रख लिया हूँ। तेल गरम है हमारा भैया है, वो हल्का गरम है, ज़्यादा नहीं गरम है। अब हम मट्ठी के डाल देते हैं तेल में। एक एक कई की मट्ठी के हम डाल देते हैं। दो बार में हम कई के डालेंगे मट्ठी के। ज़्यादा मट्ठी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कई के दो बार में हम डाल लेते हैं। इसके हम चम्मच से हल्के हाथे से थोड़ा चला देते हैं मट्ठी के, पलट देते हैं। इसके धीमी आंच में बहुत पकाएं।
इसके मट्ठी के धीमी आंच में बहुत पकाएं तो बहुत खस्ता बनती है, मट्ठी खाने में रहती है खस्ता। इसके हम कल थोड़ा चला ही देते हैं जो उन्हें अच्छा से पक जाए। मट्ठी हमार गोल्डन ब्राउन कलर में हो गई है, फ्राई हो गई। अब इसके हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में, टिश्यू पेपर लगा देते हैं जो उन्हें इसका तेल सूख ही जाए अच्छा से। जो मट्ठी बची हुई है उसके हम डाल के फ्राई कर लेते हैं कढ़ाई में, बाकी के बची हुई। बाकी का बचा हुआ मट्ठी हमारी गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है, अब हम इसके निकाल लेते हैं। देखिए मट्ठी हमारी बन गई है, हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों मट्ठी हमारी बन के तैयार हो गई है, बन गई है। और आप चाह के साथ बहुत सब खाने पसंद करते हैं, चाह के साथ ही खा सकते हैं, आप नमकीन की तरह खा सकते हैं। और इस एक बार ज़रूर इसी तरह से बनाएं। और आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब के लिए धन्यवाद।